ओके सो गाइस, कैसे व्हाट्सएप लोग आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ रील्स वायरल वीडियो एडिटिंग के बारे में। अगर आप रील्स यूज़ करते हो तो आपने रील्स में इस तरह की वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। जो साउंड है ना, ये भी रील्स में काफ़ी वायरल चल रहा है। अगर आप इस साउंड वीडियो बनाते हो और रील्स पर अपलोड करते हो ना, आपकी वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने वाला है। उससे पहले गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब, और घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ऑलराइट गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक खुद की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आपको स्क्रीन में एक वीडियो दिख रही होगी, आपने सेम इसी तरीके से अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। सबसे पहले गाइस, आपको एक शर्ट या टी शर्ट हाथों में पकड़नी और उससे शर्ट को पीछे फेंकना है। तो पीछे फेंकने के बाद आपने जो शर्ट या टी शर्ट पीछे फेंकी है, उस टी शर्ट को आपको फिर पहनना है, और जहाँ पे आपने पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी वहीं पर टी शर्ट या शर्ट पहनकर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ओके। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपने एक म्यूज़िक वीडियो डाउनलोड करनी है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नेम है VN एप्लीकेशन। आपने इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं। फिर आपको VN एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको नॉर्मल सेंटर फेस मिलेगा। आपने इस प्लस आइकन पर क्लिक कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके वीडियो शो करेंगे। आपने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रखे उस वीडियो को सिलेक्ट कर रहे हैं, इस एरो पर क्लिक कर रहे हैं, नीचे एरो शो कर क्लिक कर रहे हैं इस एरो पर। सो देख लीजिए, वीडियो ऐड हो चुकी है एप्लीकेशन के अंदर। आपको मूव कर रहा है लास्ट में जो ब्लैक लेयर शो कर रही है उसे डिलीट कर रहे हैं। तो ब्लैक लेयर पे क्लिक कर रहा है, डिलीट पे क्लिक कर रहा है, ब्लैक लेयर डिलीट हो चुकी है। और अब म्यूज़िक ऐड करना है, साउंड। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए साइड में ऑप्शन है, ऑडियो का आइकन क्लिक कर रहा है, म्यूज़िक पे क्लिक कर रहा है, और यहाँ पर आपके म्यूज़िक शो करेंगे। आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर रहा है, कुछ ऑप्शन शो करेंगे। आपने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर लेना है और आपके वीडियो शो करेंगे। आपने जो साउंड वीडियो डाउनलोड कर रखे उसे सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर रहे हैं। देख लीजिए, फर्स्ट में साउंड आ चुका है, चूज पे क्लिक कर रहा है, नीचे ऑप्शन से हो रहा है म्यूज़िक बीट क्लिक कर रहा है, और यहाँ से म्यूज़िक में बीट ऐड कर रहा है। तो म्यूज़िक में बीट ऐड कैसे कर रहा है, सबसे पहले गाइस आपको म्यूज़िक प्ले कर रहा है। प्ले करने के बाद आपको सबसे पहले म्यूज़िक में बीट यहाँ पर ऐड करना है। 10.5 सेकेंड पर आपको फर्स्ट बीट ऐड करना है, सेकेंड बीट गाइस आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो बीट ऐड कैसे करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर बीट है, तो आपने इस रेड कलर के बटन पर क्लिक कर रहा है, देख लीजिए बीट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर बीट नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। बीट पे क्लिक कर रहा है, डिलीट पे क्लिक कर रहा है, सो बीट ऐड हो चुके हैं। टिक पे क्लिक कर रहा है और टिक पे क्लिक कर रहा है। वीडियो में म्यूज़िक ऐड हो चुका है और म्यूज़िक में बीट भी ऐड हो चुका है, ओके। और आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो प्ले करनी है। प्ले करने के बाद जहाँ से आप टी शर्ट शर्ट को पीछे फेंक रहे हो वहाँ पर आपको लेयर रोक लेनी है, ठीक है। फिर वीडियो प्ले कर रहे हैं, प्ले करने के बाद जहाँ से आपने सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है वहाँ पर आपको लेयर रोक लेनी, ठीक है। सो यहाँ से सेकंड वीडियो आ रही है तो मैं यहाँ पे वीडियो रोक लेता हूँ और यहाँ पर वीडियो कट कर रहे हैं। नीचे ऑप्शन से स्प्लिट क्लिक कर रहा है। सो यहाँ पर गाइस दोनों वीडियो ज्वाइंट है तो मैं कट कर रहा हूँ। अगर आपने एक एक करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही है तो आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। प्लस आइकन पर क्लिक करके आपने सेकंड वीडियो ऐड कर लेनी है। वीडियो कट हो चुकी है और जो बीच में कट हुआ पार्ट है क्लिक कर रहा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन से डुप्लीकेट क्लिक कर रहा है, डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। चूँकि इस डुप्लीकेट लेयर है सेकेंड लेयर, इस पर क्लिक कर रहा है तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, तो आपको दो फिंगर की मदद से स्क्रीन में जूम कर लेना, ठीक है। तो मैं जूम कर लेता हूँ। फिर आपको डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर रहे हैं, नीचे कुछ ऑप्शन से होकर के मूव कर रहे हैं, और यहाँ से आपको वीडियो रिवर्स करनी है। तो नीचे ऑप्शन से होकर रिवर्स, आपको रिवर्स पर क्लिक कर रहे हैं, और ये लोड होगा उसके बाद वीडियो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए रिवर्स हो चुका है, यहाँ पर शर्ट को पीछे फेंक रहा है और यहाँ पर शर्ट वापस आ चुकी है। देख लीजिए, आपने इस तरीके से वीडियो में रिवर्स इफेक्ट ऐड कर लेना, ओके। और हमारा जो फर्स्ट बीट गाइस यहाँ से है, तो देख लीजिए दोनों लेयर यहाँ पर बराबर है। जो आप सेकंड वीडियो ऐड करो कपड़े पहनकर, ठीक है, यहाँ से आनी चाहिए जहाँ से आपने म्यूजिक में बीट ऐड कर रखा। देख लीजिए मेरा गाइस वहीं पर आ रहा है, आपने बीट टू बीट वीडियो सेट करना है, ठीक है। हमारा सेकंड का बीट यहाँ पर है तो यहाँ पर हमें कट कर रहा है। नीचे ऑप्शन जो है स्प्लिट क्लिक कर रहे हैं, फिर आपको वीडियो लेयर पे क्लिक कर रहे हैं, एफएक्स पे क्लिक कर रहे हैं, लेयर को बस मूव कर रहे हैं। यहाँ से आपने एक इफेक्ट ऐड करना है, सो मैं इसे ऐड करता हूँ, टिक पे क्लिक कर रहा है। सो देख लीजिए वीडियो ना हमारी अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लें। देख लीजिए यहाँ पर शर्ट को पीछे फेंकेगा, उसके बाद टी शर्ट वापस आएगी, देख लीजिए वापस आ चुकी है, और यहाँ पर कपड़े चेंज हो चुके हैं। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी, ओके।
और अभी इस वीडियो को सेव कर रहा है अपने मोबाइल में। वीडियो सेव करने के लिए ऊपर ऑप्शन होकर एक्सपोर्ट क्लिक कर रहा है, क्वालिटी सेलेक्ट कर रहा है, टिक पे क्लिक कर रहा है और आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।